नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के टोहाना सीट पर भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र बदली ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को काफी बड़े मार्जिन से हरा दिया। देवेंद्र बदली ने सुभाष बराला को करीबन 52,302 वोटों से हरा करके पूरी तरह से पटकनी दी है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान ये हार का सबसे बड़ा मार्जिन बताया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि सुभाष बराला को इस हार पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। देवेंद्र बबली ने कहा कि यह जनता के बीच रहे हैं और जनता की सेवा की, इसलिए जनता ने उन्हें यह भारी बहुमत दिया। देवेंद्र बबली का कहना है कि सुभाष बराला जनता के बीच रहने में नाकामयाब रहे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई थी, झूठ के प्रति सच की लड़ाई थी और गुंडागर्दी के प्रति अमन चैन की लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच रह करके जनता की सेवा करेंगे, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। अपनी हार को देख करके सुभाष बराला मतगणना को बीच में छोड़कर निकल गए। उन्हें जाता देख करके उनकी गाड़ी के पीछे जेजेपी के समर्थकों ने हूटिंग भी शुरू कर दी थी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जनता जनार्दन है, इसने जो हमें हल्के की सेवा करने का सौभाग्य परमात्मा ने हमें दिया, आज जनता ने उसको लौटाकर मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजने का काम किया है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं जो बात कहता हूँ उस पर खड़ा रहता हूँ, अपनी जबान का पक्का हूँ। आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और जो एक सोच जो देवेंद्र सिंह बबली की थी, आज पूरे टोहाना हल्के की, इस मतदान के माध्यम से लोगों ने दिखाया भी है। 1,00,000 से ऊपर वोट देकर मुझे टोहाना हल्का वासियों ने अपने आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजने का काम किया है। और किले विले किसी के नहीं होते, ये तो जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है, वो हमने बनाई है अपनी सेवा के माध्यम से। उनको रिकॉर्ड देकर, उनका आशीर्वाद लेकर और हमने जो वादे किए थे उनको करें। बीजेपी की ओर से बड़े तमाम वादे दावे किए गए, 75 पार 80 पार, तो 40-42 पे सीमट गई, क्या कहें? देखिए, ये चुनाव के चुनावी जुमले की बात होती है तो वो सबका हक है, वो उन्होंने बोला, मीडिया ने दिखाया, लेकिन मैंडेट तो जनता ने देना था हरियाणा प्रदेश की, आज जनता ने जो दिया आपके सामने है। सबसे बड़ा मार्जिन बताया जा रहा है आपकी जीत का, क्या मानते हैं जनता ने किसलिए वोट किया है, किस चीज़ को देखकर वोट किया, सबसे बड़ा मार्जिन? देखिए, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिला, मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा विश्वास था और जो ये एक अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई थी, ये झूठ के प्रति एक सच की लड़ाई थी, गुंडागर्दी के प्रति एक अमन चैन की लड़ाई थी। और वो ये शहर चाहता था, मेरा टोहाना शहर भी चाहता था, मेरे व्यापारी भाई चाहते थे, मेरे किसान भाई चाहते थे, मेरे मजदूर भाई चाहते थे, कर्मचारी भाई चाहते थे कि हरियाणा में अमन चैन की राजनीति और टोहाना में भी हो। और इसका जो पिछले दिनों ये 5 साल की जो सरकार रही, उसमें मैं सरकार को, मैं तो यहाँ मुख्य तौर से यहाँ से जो विधायक रहे, कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं उस तरह से जिस तरह से उनको नहीं कर पाई, उसका खामियाजा भी उतना पड़ा। दूसरी तरफ हमारी सेवा थी, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास था। देखिए, वो उनके पास एक पद था, वो भी विधायक थे यहाँ से, ठीक है, हर जीत चुनाव में हो जाती है, लेकिन जनता का विश्वास जो उन्होंने खोया है वो आप सब समझ सकते हैं। और हम जो लोगों के बीच में एक विश्वास हमने जो बनाया और लोगों से हमने जो बातें की, जो वादे किए, जितने एक सोशल वर्किंग के तहत हम जा सकते थे, हमने सेवा करने का काम किया, आगे निकलेंगे। और जो हर जीत है ये एक मार्जिन के साथ हुई है, इससे पता चलना चाहिए।